तप रहा है महाराष्ट्र, 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में ही महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। अकोला जिले में बढ़कर 44 डिग्री के पार पहुंचा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा। पिछले दो हफ्ते में गर्मी से राज्य में दो मौतें भी हो चुकी है। कई लोग लू लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। मौसम विभाग की तरफ से अगले दो दिन महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में भीषण गर्मी का अनुमान जताया जा रहा है। इन सभी जिलों में अगले दो दिन तक मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बढ़ती गर्मी के कारण अब मुंबईकर भी काफी परेशान दिख रहे हैं। कामकाजी लोग रोजाना नींबू पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हालांकि मुंबईकरों के लिए राहत की बात यह है कि अन्य जिलों के मुकाबले मुंबई फिलहाल भीषण गर्मी वाले जिलों की सूची से अब तक बाहर है। लेकिन कई इलाकों में देखा गया है कि दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक कामकाजी और घरेलू महिलाएं बाहर निकलने से परहेज कर रही हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर मौसम वैज्ञानिक सुषमा नायर ने क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, कुछ दिनों से ना मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भा में कुछ जगहों में 40 से ऊपर टेम्परेचर तो है ही। इसमें हम आने वाले 4-5 दिन में कोई राहत नहीं दिख रही है, मोर और लेस सेम रहेगा। और दक्षिण महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र जैसे कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में हम आने वाले 1-2 दिन में थोड़ा हल्का से लेके मॉडरेट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कल तो अकोला में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 44 टेम्परेचर था। तो कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है। चंद्रपुर में 1 अप्रैल को भी 44.2 रिकॉर्ड किया गया था। शोलापुर, फिर अहमदनगर, मालेगांव, इन जगहों में भी कल जलगांव में 44 रिकॉर्ड किया गया था। तो हमने जो हीटवेव जारी की है, येलो अलर्ट है, वो है अहमदनगर और जलगांव के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 1-2 दिन के लिए जारी की गई है। येलो अलर्ट मीन्स आपको सावधान रहना चाहिए एंड कुछ नॉर्मल प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे कि स्टे हाइड्रेटेड, हो सके तो धूप में ना निकला करो एंड जो भी काम है आपका 12 या 4 के बीच में मत निकला करो, और अगर भी आप निकलते हैं तो सिर को ढक लीजिए।